कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? नमस्कार, कंपटीशन कम्युनिटी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सीजीपीएससी 2023 प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हमने टॉप सीरीज टॉप एमसीक्यू जो सीरीज स्टार्ट किया है उसके अंदर का छत्तीसगढ़ की जनजाति का आज मेरा ये पांचवा लेक्चर है, पांचवा वीडियो है। ठीक है, आज का जो हमारे पास टॉपिक है आपको नजर आ रहा होगा, आज अपन पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ में डांस के बारे में, छत्तीसगढ़ के नृत्य के बारे में। तो देखो सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे लोक नृत्य के बारे में और साथ ही साथ आज अपन देखेंगे जनजातीय नृत्य के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, जितने भी हमारे पास महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको अपन क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला अगर देखा जाए प्रश्न से पहले मैं बात आपको जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं बताता हूँ डांस के बारे में, नृत्य के बारे में। ठीक है, तो आज का जो हमारे पास एमसीक्यू होगा वो डांस पे बेस्ड होगा। तो ध्यान रहे बेटा, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आज लोक नृत्य के बारे में। ठीक है, लोक नृत्य के बारे में और दूसरा आज अपन पढ़ेंगे जनजातीय नृत्य के बारे में। ठीक है, डिफरेंस पता होगा लोक नृत्य का प्रचलन क्या होगा, या तो पर्टिकुलर किसी गांव में होगा, किसी क्षेत्र में होगा, किसी राज्य में होगा या फिर किसी देश में होगा। लेकिन जनजातीय नृत्य का जो प्रचलन है याद रखना वो केवल पर्टिकुलर किसी समुदाय से संबंधित होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो अगर देखा जाए लोक नृत्य की अगर बात करेंगे, ठीक है लोक नृत्य की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में हमारे पास एक लोक नृत्य आपको याद रखना बेटा, राउत नाचा। राउत नाचा ना छत्तीसगढ़ में जो हमारे पास गहिरा जो समाज है, जो यदुवंशी जो समाज है उसमें उनमें ज्यादा प्रचलित है। हालांकि ये छत्तीसगढ़ राज्य का क्या है, एक लोक नृत्य है। राउत नाचा के बाद दूसरा अगर बात करेंगे बेटा तो आपको मिलेगा पंथी नृत्य। छत्तीसगढ़ में जो हमारे पास सतनामी जो समुदाय है वो परम पूज्य गुरु घासीदास जी के सम्मान में ये डांस करती है। इनकी विशेषता पर आने वाले समय में पढ़ेंगे अब बता। ठीक है, और साथ ही साथ कल मैंने बताया था चंदेनी गीत, तो जाना चंदेनी गीत के दौरान जो अपन डांस करते हैं, जो कल मैंने बताया था ना लुरिक चंदा के बारे में, तो उस दौरान जो अपन डांस करेंगे उसको अपन क्या बोलते हैं, चंदेनी नृत्य कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान, जब बात आती है छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य, कभी कभी पहचानने के लिए प्रश्न आता है, आपके पास चार ऑप्शन होगा और बोलेगा कि भाई इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य का क्या है, लोक नृत्य है, पहचानी है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, हमेशा तैयार रहना है भाई। ठीक है ना, तो ध्यान, लोक नृत्य के अंतर्गत अगर देखा जाए हमें पढ़ना है राउत नाचा, पंथी नृत्य और साथ ही साथ क्या पढ़ना है, चंदेनी नृत्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बात ये तो हो गया लोक नृत्य, अब इसको मैं समझाऊंगा। अगला हमारे पास आता है जनजातीय नृत्य। ठीक है, तो ध्यान रहे बेटा जितने भी हमारे पास जनजाति है, जैसे अगर बात करूंगा सपोज मुरिया आदिवासी, तो मुरिया आदिवासी लोग कौन कौन सा डांस करते हैं, तो ध्यान दे रहा मुरिया आदिवासी लोग जैसे मांदरी डांस करते हैं, इबाल तोर डांस करते हैं, ठीक है हुल्की बाटा डांस करते हैं। ठीक है, कौन लोग, मुरिया आदिवासी के लोग, क्लियर है यहां तक, पुष कोलांग डांस करते हैं, कौन लोग हमारे पास, मुरिया आदिवासी। सेम चीज बात करेंगे जो हमारे पास बैगा जनजाति, बैगा जनजाति के लोग करते हैं याद रखना, परघौनी डांस करेंगे, बिल्मा नृत्य करेंगे। ठीक है, कौन लोग, बैगा लोग, इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ दशहरा नृत्य लोग करते हैं, कौन लोग, बैगा लोग, इतना याद रखिएगा। जो पहाड़ी कोरवा जनजाति है, पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग याद रखना बेटा, दमनज डांस करते हैं। दमनज जो नृत्य है वो विवाह के समय किया जाता है और ये सबसे भय उत्पादक नृत्य माना जाता है, और इसमें एक वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, उसका नाम रहेगा मृदुगली। ठीक है, इसको अपन पढ़ेंगे। सेम चीज हमारे पास एक जनजाति रहेगा, उसका नाम रहेगा कंवर जनजाति। कंवर जनजाति के लोग बार डांस करते हैं, बार, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। फिर अपन पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में जो माड़िया आदिवासी है, माड़िया आदिवासी के लोग याद रखना बेटा, गौर नृत्य करते हैं, जिसको वेरियर एल्विन ने ना छत्तीसगढ़ पूरे संसार का सबसे सुंदर डांस कहा है। ठीक है, तो ध्यान, इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के जनजातियों का क्या करेंगे, डांस पढ़ेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है ना, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का। ठीक है, देखिए अच्छे से, सबसे प्राइमरी काम है जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो ना तो बेटा प्रश्न को अच्छे से रीड करो। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है देखो ध्यान से, छत्तीसगढ़ में किस नृत्य को तोता नृत्य के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्या है देखो अच्छे से, छत्तीसगढ़ में किस नृत्य को तोता नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, जितने भी जुड़े हो सबसे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर ए में सुबह डांस दिया हुआ है, दूसरा में पंडवानी डांस है, तीसरे में ककसार है, चौथे में सैला नृत्य। प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस नृत्य को तोता नृत्य कहा जाता है, तोता नाच कहा जाता है, बराबर ना? तो देखो क्लियर है तो देखो भाई, चलो ठीक है मैं इसका उत्तर बताता हूँ, ध्यान देना। हमारे पास छत्तीसगढ़ राज्य में एक नृत्य है, उस नृत्य का नाम है सुवा नृत्य। ध्यान देना छत्तीसगढ़ में जो हमारे पास सुवा नृत्य अगर देखा जाए, ये अपने आप में क्या है, एक लोक नृत्य है। कौन? सुवा नृत्य। ठीक है यहां तक? ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर देखा जाए, सुवा नृत्य कौन करता है या कौन करती है, तो याद रखना बेटा महिलाएं करती है। कौन करती है? महिलाएं करती है, या फिर जो किशोरी बालिका है, ठीक है, जिनका विवाह नहीं हुआ है, जितने भी किशोरी बालिका है वो, याद रहेगा। विशेष रूप से अगर देखा जाए जो कोलीन जाति की जो महिलाएं हैं, याद रहेगा, जो कोलीन जाति की जो हमारे पास महिलाएं हैं, इनके द्वारा सुवा नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना बेटा। आगे सुवा नृत्य कब किया जाता है, तो ध्यान रख, जो सुवा नृत्य है वो याद रखिए बेटा दीपावली पर्व के अवसर पर, दीपावली पर्व के दौरान किया जाता है। ठीक है, जो सुवा नृत्य है ना, दीपावली पर्व अर्थात देखा जाए जो लक्ष्मी पूजा है, उसके दो सप्ताह पहले, याद रहेगा, दो सप्ताह पहले प्रारंभ होता है। ठीक है, और जिस दिन लक्ष्मी पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा की रात्रि में, याद रखना बेटा, उसी रात्रि में जब गौरा गौरी विवाह करते हैं, पढ़ता होगा ना, लक्ष्मी पूजा की रात्रि में अपन क्या करते हैं, गौरा गौरी जो विवाह होता है, उसी विवाह के साथ साथ सुवा नृत्य भी क्या हो जाता है, हमारे पास समाप्त हो जाता है। क्लियर है? तो सुवा नृत्य दीपावली के दो सप्ते पहले प्रारंभ होता है, और दिवाली के दिन गौरा गौरी विवाह के बाद क्या हो जाता है, समाप्ति हो जाता है हमारे पास सुवा नृत्य। ठीक है, यहां तक? आगे याद रखना, अगर देखा जाए सुवा नृत्य कैसे किया जाता है, ठीक है, सुवा नृत्य कैसे किया जाता है, याद रहेगा। तो देखो बेटा ध्यान से, सुवा नृत्य में अगर देखा जाए सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, एक टोकरी रखते हैं। ये जो टोकरी है बेटा, याद रखिएगा, किससे बना रहता है, बांस से बना एक टोकरी रखते हैं। ये जो टोकरी है, टोकरी का हम लोग क्या करते हैं, याद रखना बेटा, लाल कपड़े से क्या करते हैं, कवर अप कर देते हैं। ठीक है, अब तक इसको याद रखना। और टोकरी के अंदर में ध्यान देना हमारे पास क्या रहता है, तो याद रखिएगा, टोकरी के अंदर में धान भरा रहता है। क्या भरा रहता है? टोकरी के अंदर में धान भरा रहता है, इसको याद रखना। ठीक है, धान हो गया। और ध्यान देना टोकरी के अंदर में हमारे पास दो लकड़ी के बने दो तोते होते हैं, एक तोता मेल होगा, एक तोता फीमेल होगा। जो मेल तोता है इसको भगवान शिव का रूप मानते हैं, जो फीमेल तोता है उसको अपन क्या करते हैं, पार्वती माता का स्वरूप मानते हैं, याद रहेगा। अर्थात याद रखना, इसमें जो जो हमारे पास तोते हैं, ध्यान बेटा, ये जो हमारे पास तोता है, इसी तोता को अपन क्या कहते हैं, सुवा कहते हैं। और जब हम डांस करते हैं, इसलिए इस डांस को क्या कहते हैं, सुवा डांस कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, तोता डांस भी कहते हैं, याद रहेगा। आगे याद रखना, इस अगर देखा जाए, ये जो हमारे पास डांस है, इस डांस में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है, याद रहेगा। यहाँ तक जो सुवा डांस है, सुवा डांस में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है, तो याद रखना किसका उपयोग होता है, तो याद रखना, जो सुवा डांस है, वाद्य यंत्र के स्थान पर क्लैप करके, ताली के थाप पर अपन क्या करते हैं, सुवा डांस करते हैं, याद रहेगा। यहां तक समझ में आया यहां तक? ठीक है बेटा, तो याद रखना, ये हमारे पास है सुवा डांस से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन नंबर एक में आते हैं। क्वेश्चन नंबर एक क्या था उसको देखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। देखो भाई प्रश्न क्या था, ध्यान से देखना, प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ में किस नृत्य को तोता नृत्य कहते हैं। तो उत्तर में क्या मिलेगा बेटा, सैला है क्या? नहीं। ककसार है क्या? नहीं। पंडवानी है क्या? नहीं। उत्तर क्या मिलेगा आपको? सुवा नृत्य। तो याद रखना पहले का उत्तर क्या होगा, ए होगा, सुवा नृत्य। ठीक है, तो सुवा नृत्य को अपन किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा, सुवा नृत्य को अपन कहते हैं तोता नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो दो तोते होते हैं, एक माता पार्वती, दूसरा भगवान शिव का स्वरूप मानते हैं, उसी को अपन क्या मानते हैं, उसी को अपन सुवा भी कहते हैं। क्लियर है यहां तक? इस बात को याद रखना। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दो की ओर जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर दो क्या है, स्वयं को या फिर खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानने वाले यदुवंशी, यदुवंशी लोग क्या करते हैं, याद रखना, अपने आप को भगवान कृष्ण का वंशज मानते हैं, किस शैली का लोक नृत्य करते हैं। ठीक है, यहां तक? ऑप्शन हमारे पास है, पंथी है, गेड़ी है, झिरमिलिति है और राउत नाचा है। ठीक है, यहां तक? तो देखो समझते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो याद रखना बेटा, हमारे पास सबसे पहला एक डांस है, उस डांस का नाम क्या होगा, राउत नाचा। क्या होता है? राउत नाचा। ठीक है, यहां तक ध्यान देना। अगर देखा जाए राउत नाचा कौन करता है, ठीक है, ध्यान देना बेटा, राउत नाचा ज्यादातर अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में जो यदुवंशी होते हैं, जो यदुवंशी परिवार है वो, जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए गहिरा समाज है, गहिरा को अपन क्या कहते हैं, अहीर कहते हैं, या फिर जो हमारे पास जो ठेठवार समाज है वो क्या करता है बेटा, याद रखिएगा, राउत नाचा करता है। गहिरा को ही अपन राउत कहते हैं या फिर अहीर जाति के लोग बोलते हैं, बराबर यहां तक। ध्यान रहे, जो राउत नाचा है, राउत नाचा कब किया जाता है, तो याद रखना, विशेष रूप से जो हमारे पास राउत नाचा है,
याद रखना बेटा वो गोवर्धन पूजा, ठीक है, गोवर्धन पूजा के साथ साथ और साथ ही साथ दूसरे दिन, गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन के क्या होता है हमारे पास, मातर पूजा होता है, मातर पर्व होता है, ठीक है ना। ये दोनों अवसर पर राउत नाचा किया जाता है अहीर जाति के द्वारा या फिर राउत नाची के द्वारा, राउत जाति के द्वारा, बराबर यहां तक गहिरा जाति के द्वारा, ठीक है यहां तक। आगे याद रखिएगा जो हमारे पास राउत नाचा बेटा कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे किया जाता है, तो याद रखिएगा राउत नाचा हमेशा अगर देखा जाए मंडली के द्वारा ग्रुप में किया जाता है, सिंगल नहीं किया जाता, याद रखेगा मंडली के द्वारा किया जाता है, ठीक है, यहां तक मंडली में कुछ सदस्य होते हैं। आगे याद रखना जो हमारे पास राउत नाचा है अगर देखा जाए इसमें किस प्रकार के वाद्य यंत्र का अपन उपयोग करते हैं, जो हमारे पास वाद्य यंत्र अगर देखा जाए तो ध्यान रहे बेटा इसमें गड़बा बाजा का उपयोग करते हैं अपन, याद रहेगा यहां तक गड़बा बाजा, इसमें सिंग बाजा, दफड़ा, मोहरी, जितने भी चीजें आते हैं गड़बा बाजा रहता है, क्लियर है यहां तक। आगे याद रखना इसमें दोहा पुकारा जाता है राउत नाचा में, एक अगर देखा जाए जो हमारे पास मंडली में जितने भी कलाकार होते हैं, जितने भी लोग रहते हैं ना, एक व्यक्ति, ठीक है, पहला व्यक्ति क्या करेगा, दोहा पुकारेगा, ठीक है, दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, हुकारू देगा, जब दोहा कंप्लीट होगा, हुकारू कंप्लीट होगा, फिर इन लोग क्या करते हैं, सभी लोग आवाज निकल के क्या करते हैं बेटा, डांस करते हैं, ठीक है ना। और ध्यान इनके पास, ठीक है, वाद्य यंत्र तो बता दिया गड़बा बाजा है, और जितने भी कलाकार है इनके पास क्या होता है, याद रखना अगर देखा जाए सबके पास अगर देखा जाए डंडे रहते हैं, क्या सबके हाथों में क्या रहता है, डंडा रहता है, डंडा को पकड़ के लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं, क्या राउत नाचा के बारे में, ठीक है यहां तक। अब देखा जाए विशेष अगर देखा जाए किससे रिलेटेड रहेगा, तो ध्यान रहा बेटा विशेष ये है राउत नाचा, तो ध्यान रहा हमारे पास जो बिलासपुर जो क्षेत्र है वहां पर 1978 से, याद रहेगा बिलासपुर में प्रत्येक वर्ष क्या होता है, राउत नाचा महोत्सव ऑर्गेनाइज हो रहा है, क्या हो रहा है वहां पे राउत नाचा महोत्सव, कब से, तो क्या बताओगे 1978 से बिलासपुर में प्रत्येक वर्ष क्या होता है, राउत नाचा महोत्सव होता है, ठीक है यहां तक, इसको प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, किसके बारे में, तो याद रखना बेटा ये हमारे पास राउत नाचा से जुड़ी हुई जानकारी, ठीक है यहां तक। अब देखो मैंने बोला जो कलाकार होते हैं, जो जितने भी वहां पे कलाकार होते हैं ना, सब लोग डंडे पकड़े रहते हैं, और ध्यान देना इनके जो डंडे होते हैं, याद रखना अगर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अगर देखा जाए राउत नाचा के दौरान, मैंने ये बोला कि भाई जो राउत नाचा है वो गोवर्धन पूजा के दौरान होता है या फिर माता पूजा के दौरान होता है, और ध्यान इस पूजा के दौरान इन लोग क्या करते हैं, राउत नाचा तो करते हैं, और राउत नाचा करते हुए इन लोग क्या करते हैं, जो मवेशी है उनको इन लोग क्या करते हैं, सोहई बांधते हैं, क्या बांधते हैं बेटा, सोहई, याद रहेगा यहां तक, जो सोहई है वो पलाश, ठीक है, और साथ ही साथ जो मयूर पंख है उससे मिला करके अपन क्या करते हैं, सोहई का निर्माण करते हैं, ठीक है यहां तक, इसको याद रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना सोहई किनको, जो हमारे पास जानवर है, जो गाय है, ठीक है, जो भैंस है, उनको अपन क्या करते हैं, सोहई बांधते हैं, क्लियर है यहां तक। तो ये बेटा हमारे पास राउत नाचा से जुड़ा हुआ जानकारी था। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर दो क्या था, क्वेश्चन नंबर दो क्या था हमारे पास, खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानने वाले यदुवंशी अर्थात जो यादव है, जो यादव समाज है, जो ठेठवार या फिर राउत की बात करोगे, वो कौन सा डांस करते हैं, पंथी करते हैं क्या, नहीं, गेड़ी डांस करते हैं क्या, नहीं, झिर लीति करते हैं क्या, नहीं, तो क्या बचा बेटा, राउत नाचा। तो याद रखना जो प्रश्न नंबर दो है उसका उत्तर क्या मिलेगा, ए, राउत नाचा करते हैं लोग, क्या करते हैं बेटा, क्या बताओगे, राउत नाचा करते हैं, कौन लोग, यदुवंशी लोग। और रात में राउत नाचा कब किया जाता है, तो याद रखना गोवर्धन पूजा और मातर पूजा के समय करते हैं। कब तक करते हैं, तो ध्यान रहे बेटा तुलसी विवाह तक करते हैं, देव प्रबोधनी एकादशी तक करते हैं, ठीक है, जिसको अपन जेठौनी के नाम से जाना जाता है, याद रखना बेटा गन्ना वाला पर्व, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की ओर रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन क्या है, राज्य के किस डांस में, किस नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं, ये मैंने उस दिन बताया था, ठीक है ना। चलो इसको अपने समझते हैं, उसके बाद प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। याद रखना हमारे पास छत्तीसगढ़ राज्य में एक नृत्य है, उस नृत्य का आपको नाम याद रखना है, पंथी नृत्य, नृत्य का नाम हमारे पास क्या बेटा, पंथी नृत्य, ठीक है ना। याद रखना जो हमारे पास पंथी नृत्य है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कौन करता है, तो ध्यान रखना छत्तीसगढ़ में जो पंथी डांस है विशेष रूप से अगर देखा जाए तो सतनामी जाति के, सतनामी समुदाय के लोग करते हैं। याद रखना जो हमारे पास पंथी डांस है ये मेल मेंबर भी करते हैं, फीमेल मेंबर भी करते हैं। इससे पहले मैंने जो राउत नाचा बताया था ना, राउत नाचा बेटा केवल पुरुष लोग करते हैं, याद रहेगा यहां तक, राउत नाचा केवल पुरुष लोग करते हैं, लेकिन जो हमारे पास पंथी डांस है ये महिला पुरुष दोनों करते हैं, बच्चे भी, जो बालिका है वो भी कर सकती है, लेकिन विशेष रूप से अगर देखा जाए तो ये छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय से संबंधित है। याद रखना जो हमारे पास राउत नाचा जो हमारे पास पंथी डांस है, पंथी डांस में क्या होता है, याद रहेगा उदाहरण, जो हमारे पास परम पूज्य जो हमारे पास गुरु घासीदास जी है, ठीक है, राउत नाचा में अपन क्या करते हैं, परम पूज्य जो हमारे पास गुरु घासीदास जी जो है इनकी आराधना करते हुए डांस करते हैं, याद रहेगा कि आराधना
करते हुए हम लोग क्या करते हैं बेटा, डांस करते हैं, ठीक है, यहाँ तक उनकी हम आराधना भी करते हैं और आराधना मतलब उनकी स्तुति करते हुए अपन क्या करते हैं, डांस करते हैं, क्या, पंथी डांस, ठीक है, यहाँ तक आगे यहाँ घटना कर देखा जाए। पंथी डांस अपन करते हैं तो पंथी डांस के दौरान किस प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो ध्यान रहे बेटा इसमें मांदर का उपयोग करते हैं और मांदर के साथ साथ जो हमारे पास झांझ है उसका उपयोग करते हैं किसमें, पंथी डांस में, ठीक है। आगे याद रखना जो हमारे पास कलाकार, याद रखना बेटा जो हमारे पास पंथी डांस है ये भी ग्रुप में किया जाता है, मंडली के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और कलाकार अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज सफेद वस्त्र धारण करते हैं, जितने भी कलाकार होते हैं सबके सब क्या करते हैं, सफेद वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है, इसमें पंथी डांस के दौरान ये आपको याद रखना है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद अगर देखा अगर महिलाएं हैं तो सफेद साड़ी पहनेंगे, पुरुष है तो सफेद धोती और ऊपर में जो भी सफेद कलर का एक अगर ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन बीच जो पुरुष वर्ग जो है वो सफेद कलर का धोती पहनेगा, ऊपर नेसेसरी नहीं है बेटा पहनना, ठीक है ना, याद रहेगा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे पास पंथी नृत्य है, ये मैंने बोला गुरु घासीदास की आराधना करते हैं और आराधना के लिए यहाँ पे मैं एक वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, जैत खाम। जैत खाम ध्यान देना बेटा, जो हमारे पास जो परम पूज्य गुरु घासीदास है इनकी इनके ही प्रतीक स्वरूप हमने क्या किया है, जैत खाम स्थापित किया है, ठीक है, जैत खाम याद रहेगा। और ध्यान देना बेटा सबसे ऊंचा जो जैत खाम है वो कहां पर स्थापित हुआ है, गिरौदपुरी बलौदा बाजार में, ठीक है, जिसका डिजाइन आईआईटी रुड़की ने बनाया था, ये आपको याद रखना किसके बारे में, पंथी नृत्य, क्लियर है यहां तक। अब ध्यान देना बेटा पंथी नृत्य अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैसे किया जाता है, कैसे, तो ध्यान मैंने बोला बेटा ग्रुप में किया जाता है, तो जितने भी हमारे पास कलाकार हैं, ठीक है, जितने भी कलाकार याद रखना बेटा एक प्रकार से सर्कल शेप में अगर देखा जाए वृत्ताकार खड़े हो जाते हैं, जितने भी हमारे पास सदस्य हैं सबके सब क्या करते हैं, वृत्ताकार खड़े हो जाते हैं। एक व्यक्ति जो हमारे पास होगा ये जो गायन करता है, ठीक है, गायन करता है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति बीच में होगा ये क्या करता है, मांदर बजाता है। और जितने भी कलाकार होते हैं ना सबके सब झांझ पकड़े रहते हैं, क्या पकड़े रहते हैं, झांझ, ठीक है, सबके सब मतलब कुछ कलाकार झांझ पकड़े रहते हैं, याद रखना। एक व्यक्ति मांदर बजाता है, दूसरा व्यक्ति जो रहता है बीच में रहेगा ये क्या करता है, गायन करता है, और जितने कलाकार क्या करते हैं, कुछ कलाकार झांझ पकड़ते हैं, डांस करते हैं, ठीक है। कैसे होता है, सबसे पहला जो मुख्य जो गायक है ये व्यक्ति क्या करेगा, जो ए व्यक्ति है ये कुछ पर्टिकुलर क्या करेगा, गाना गाएगा, ठीक है ना, पंथी गीत गाएगा, जब उनका गीत कंप्लीट होगा तो बाकी के जो कलाकार ये लोग क्या करते हैं, फिर उसको दोहराते हैं और दोहराने के साथ साथ क्या करते हैं बेटा, डांस करते हैं, ठीक है। जब डांस करते हैं तो इन लोग कुछ करतब दिखाते हैं, करतब में कभी कभी पिरामिड की आकृति भी बना देते हैं, याद रहेगा, ये हमारे पास क्या है, पंथी डांस से जुड़ी हुई जानकारी। आगे याद रखना कि छत्तीसगढ़ राज्य में पंथी नृत्य से जुड़ा हुआ विश्व प्रसिद्ध कलाकार कौन हुए हैं, बेटा सबसे पहले आपको याद रखना है देवदास बंजारे। जो देवदास बंजारे हैं ये पंथी नृत्य के सबसे प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं, प्रसिद्ध नर्तक हुए, याद रहेगा यहां तक। दूसरा ये धमतरी के साकरा गांव से है और अभी हाल ही में जिनको पद्मश्री मिला है राधा श्याम बारले जी, राधे श्याम बारले जी, इनका भी संबंध पंथी नृत्य से है, लोक कलाकार है, इनको हाल ही में क्या मिला है, तो क्या बताओगे बेटा, पद्मश्री मिला हुआ है, ठीक है यहां तक। तो ये बेटा कुछ महत्वपूर्ण चीज है पंथी नृत्य से संबंधित, ठीक है, मैंने वहां पर जैत खम का भी उल्लेख किया है, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं, इसका प्रश्न का उत्तर आप लोग ही बताओगे, चलो कमेंट करके बताओ बेटा, राज्य के किस नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं, अभी मैंने बोला तो बताओ, सुवा में करते हैं क्या, नहीं, राउत नाच में करते हैं क्या, नहीं, पंथी में करते हैं क्या, बिल्कुल, कर्मा डांस में करते हैं क्या, नहीं, तो ध्यान देना इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा, राउत नाचा, क्या मिलेगा आपको, राउत नाचा मिलेगा, बराबर यहां तक, ठीक है, राउत नाचा, इसको याद रखिएगा, क्लियर है यहां तक। ध्यान रहे ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर, बेटा कुछ भी समस्या ना प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। आगे इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो भाई ध्यान से देखना, छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे छत्तीसगढ़ के लोक बैले के नाम से जाना जाता है, याद रहेगा। देखो यहां पे एक वर्ड इस्तेमाल किया है, छत्तीसगढ़ का लोक बैला किसे कहा जाता है, ठीक है, तो ध्यान देना, मैंने कल बताया भी था छत्तीसगढ़ में हमारे पास एक लोक गीत है, उस लोक गीत का नाम क्या बेटा, पंडवानी। पंडवानी मतलब महाभारत के पांडवों की वाणी, जुबानी, जिसपे अपन क्या करते हैं, पांडवों के वीरता का, शौर्य का, उनकी जीवन का अपन क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ी शैली में प्रस्तुत करते हैं बखान, बराबर यहां तक, वही हमारे पास पंडवानी है।
और पंडवानी के मैंने कल आपको दो क्या बताया था, शैली बताया था, एक है कपालिक शैली और दूसरा हमारे पास कौन सी शैली है, वेदमती शैली। तो ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का उत्तर क्या मिलेगा आपको, पंडवानी मिलेगा। पंडवानी को अपन क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ में लोक बैले कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, क्या कहते हैं, लोक बैले कहते हैं, इसको पंडवानी को कहते हैं, बराबर। और किसने कहा था, याद रखना, पंडवानी को छत्तीसगढ़ का लोक बैले कहा था मुकुटधर पांडे ने। किसने कहा था, क्या बताओगे, जो मुकुटधर पांडे हैं, जो साहित्यकार हैं, मुकुटधर पांडे ने जो पंडवानी है उसको छत्तीसगढ़ का लोक बैले कहा था, यह भी आपको याद रखना है। क्या बोला था, छत्तीसगढ़ का लोक बैले, किसने बोला था, मुकुटधर पांडे ने बोला था, यह आपको याद रखना है, ठीक है। यहां तक तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। यहां तक कोई भी डाउट है प्लीज बताइएगा, ठीक है ना। इसके बाद रुक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। पढ़ो पहले तो, रीड करो चलो सबके सब, ठीक है भाई। इस राज्य के जनजाति लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है। देखो, जनजातियों के द्वारा कौन सा डांस करता है, डांस किया जाता है जो एग्रीकल्चर, जो हमारे पास परंपरा है उस पर आधारित है, बराबर यहां तक, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर देखा जाए जनजातियों में, जनजातियों में सबसे प्रसिद्ध जो नृत्य होता है वो नृत्य होता है बेटा कर्मा नृत्य, और कर्मा नृत्य प्रायः सभी जनजातियों में प्रचलित है। आया समझ में, क्या बोला मैंने, जो कर्मा नृत्य है वो प्रायः सभी जनजातियों में प्रचलित है। लेकिन सब कभी कभी एग्जाम में पूछेगा एग्जैक्ट जनजाति का नाम बताओ जहां पर कर्मा नृत्य प्रचलित है, तो बेटा आपको उत्तर में लेना है बैगा, बैगा के बाद लेना है उराव, उराव के बाद लेना है गोड़, और गोड़ के बाद क्या लिखना है प्रधान। ये चार जाति को विशेष रूप से याद रखना जो जो कर्मा नृत्य करती है, याद रहेगा यहां तक। अब देखो, जो हमारे पास कर्मा नृत्य है, कर्मा नृत्य अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है, याद रखना, जनजाति समुदाय के द्वारा किया जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कर्मा नृत्य कब किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, वर्षा ऋतु को छोड़कर, ठीक है, वर्षा ऋतु को छोड़कर छोड़कर शेष सभी मौसम में, ठीक है, शेष सभी मौसम में, बराबर यहां तक। ध्यान में, जो कर्मा डांस है केवल बारिश बस में नहीं होता, क्योंकि बारिश में जनजातीय समाज खेती कार्य करता है, और याद रखना जो कर्मा डांस है वो किससे संबंधित होता है, कृषि परंपरा पर ही आधारित है। लेकिन जब खेती इनका हो जाएगा तब इन लोग क्या करते हैं, शेष मौसम में कर्मा डांस करते हैं, याद रहेगा। आगे जो कर्मा नृत्य है उसमें अपन किन की आराधना करते हैं, ध्यान रखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर देखा जाए, कर्म के देवता को, समझ में आया, कर्म के देवता को प्रसन्न करने के लिए इन लोग क्या करते हैं, कर्मा डांस। दूसरा ध्यान देना बेटा, अगर देखा, अगर एग्जैक्ट पूछेगा किस माता को, तो ध्यान देना, कर्म सैनी माता को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए इन लोग क्या करते हैं, कर्मा डांस करते हैं, याद रहेगा। ये छत्तीसगढ़ के जनजातियों में सर्वाधिक प्रचलित जनजाति नृत्य है, कर्मा नृत्य, ठीक है बेटा, इसको प्लीज याद रखिएगा, किसके बारे में, कर्मा नृत्य के बारे में, ठीक है। यहां तक चलो प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्या था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, ध्यान से पढ़ो। इस राज्य के जनजाति लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है, राउत नाच है क्या, नहीं, सुवा नृत्य है क्या, नहीं, अक्षा नृत्य है क्या, नहीं, तो उत्तर क्या मिलेगा आपको, कर्मा नृत्य, ठीक है। यहां तक ध्यान देना, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, ठीक है, यहां तक इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो देखो, अभी तक हमने क्या किया बेटा, 5 प्रश्न के उत्तर देख लिए हैं, और थोड़ा थोड़ा उसको हमने क्या किया, समझने का भी प्रयास किया है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ठीक है भाई, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आ जाओ। प्रश्न पहले अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है। माड़िया जनजाति द्वारा उनकी यात्रा पर्व, यात्रा उनका वार्षिक पर्व है, ठीक है, जो प्राय अगर देखा जाए बेटा ज्येष्ठ के महीने में मनाया जाता है। यात्रा पर्व के दौरान कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, जनजाति नृत्य किया जाता है। ध्यान रखना, आपके पास ऑप्शन में प्रभ है, अक्षार है, कर्मा है, गौर है, ठीक है, समझते हैं, याद रहेगा। ध्यान देना, अगर देखा जाए यहां पे जो माड़िया आदिवासी है उन लोग एक नृत्य करते, मैंने बताया अभी तो इससे पहले, उस नृत्य का नाम क्या बेटा, गौर नृत्य। गौर नृत्य का मतलब है यहां पर जो हमारे पास गौर पशु है बाइसन, ठीक है ना, उससे ये संबंधित रहेगा ये नृत्य, क्लियर है यहां तक। तो देखो, सबसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना गौर नृत्य के बारे में, गौर नृत्य कौन करता है। तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में जो हमारे पास माड़िया जनजाति है, अगर माड़िया ऑप्शन में नहीं है तो अबुज माड़िया, अगर दोनों ऑप्शन में नहीं तो बेटा मुरिया लेना है, याद रहेगा, माड़िया, अबुज माड़िया या फिर मुरिया।
गौर नृत्य कब किया जाता है? तो ध्यान देना, वार्षिक पर्व यात्रा पर्व के समय, विशेष रूप से यात्रा पर्व में ही करते हैं और उसके अलावा अन्य अवसर पर भी किया जाता है, लेकिन विशेष रूप से कब किया जाता है? यात्रा पर्व में। आगे ध्यान में अगर देखा जाए, जो हमारे पास गौर नृत्य है, गौर नृत्य के दौरान किस प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट होता है? तो याद रखना इसमें बेटा, आपको याद रखना है मांदर। क्या याद रखोगे? मांदर। समझ में आया तक? जो हमारे पास गौर नृत्य है वो जितने भी डांस होता है, जो जब जब होता है, याद रखना बेटा किसके थाप पर होता है? मांदर के थाप पर होता है, बराबर यहां तक? आगे याद रखिएगा, इसमें कलाकार कौन कौन होते हैं? तो ध्यान रखना इसमें पुरुष कलाकार भी होते हैं और साथ ही साथ इसमें महिला कलाकार भी होते हैं। मतलब ध्यान रखना इसमें बेटा दोनों मिक्स होता है, पुरुष भी होता है, मतलब दोनों मिलकर डांस करते हैं, अलग अलग नहीं होगा ना, याद रखना। जो हमारे पास गौर नृत्य है उसमें पुरुष कलाकार भी होता है, महिला कलाकार भी होता है। देखो जो पुरुष कलाकार है ना, पुरुष कलाकार क्या करता है, अपने सिर पर, ठीक है, सिर पर गौर पशु का सिंह पहनते हैं। गौर पशु का क्या धारण करते हैं? सिंह धारण करते हैं। कहां पर? तो क्या बताओगे? अपने सिर पर, पुरुष कलाकार, ठीक है। और जो हमारे पास महिलाएं जो है वो क्या करती है? पीतल की मुकुट पहनते हैं। क्या पहनते हैं लोग? पीतल की मुकुट पहनते हैं कौन लोग? महिलाएं पहनती है, बराबर यहां तक? ठीक है यहां तक, इस बात को ध्यान देना। और ये वेशभूषा के साथ ये लोग क्या करते हैं? डांस शुरू करते हैं, ठीक है यहां तक? इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान, इसमें एक विशेष पॉइंट याद कर लो बेटा, किसके बारे में? गौर नृत्य के बारे में विशेष क्या है? तो विशेष याद रखना, एक हमारे पास मानव शास्त्री हुए, उस मानव शास्त्री का नाम याद रखना है वैरियर एल्विन। वैरियर एल्विन ने क्या बोला? वैरियर एल्विन ने याद रखना, जो हमारे पास गौर डांस है, गौर डांस को संसार का, ठीक है, संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है, सुंदर या फिर संसार का सबसे आकर्षक नृत्य कहा है। किसने कहा था? वैरियर एल्विन ने कहा था, ठीक है यहां तक। तो ये था जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका थोड़ा सा जानकारी। 6 को रीड करते हैं और देखते हैं उत्तर क्या होता है। देखो प्रश्न क्या था, माड़िया जनजाति द्वारा यात्रा पर्व के दौरान कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो परब है क्या? नहीं, परब धुरवा या परजा लोग करते हैं। ककसार अबुज माड़िया करता है। कर्मा डांस प्रदेश की सभी जनजाति विशेष रूप से बैगा उराव गोड़ या परधान करता है। और जो गौर डांस है याद रखिएगा बेटा कौन करता है? माड़िया। तो याद रखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका उत्तर आपको क्या मिलेगा? ए। याद रहेगा क्या मिलेगा? तो क्या बताओगे? जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका उत्तर क्या मिलेगा बेटा? ए मिलेगा, ठीक है यहां तक। इस बात को आपको याद रखना है, क्लियर है यहां तक, इसको याद रखो। दूसरा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखो प्रश्न क्या है, ककसार इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति का धार्मिक लोक नृत्य है? अभी मैंने बताया था उसका उत्तर, ध्यान देना, गोड़ है क्या, माड़िया है क्या, मुरिया है क्या, हलवा है क्या, याद रहेगा यहां तक। देखो ये हमारे पास ककसार है, ककसार का मतलब जो जनजाति गांव है ना उसका खुले क्षेत्र को अपन ककसार कहते हैं, याद रहेगा। और ध्यान रखना इन लोग क्या करते हैं, गांव के ककसार में जो हमारे पास एक जनजाति, उस जनजाति के नाम क्या? मुरिया। इन लोग क्या करते हैं, इनके जो आराध्य देवता है लिंगोपेन, लिंगोपेन को क्या करते हैं लोग स्थापित करते हैं और उनकी स्थापना के साथ साथ क्या करते हैं, उनकी आराधना करते हुए डांस करते हैं, याद रहेगा। तो ध्यान रखना बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है इसका उत्तर आपको क्या लेना है? मुरिया लेना है। क्या लेना है? मुरिया, याद रहेगा। तो ककसार नृत्य कौन करता है? मुरिया। और एक और है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाई काकसाड़ कौन करता है? तो बेटा आपका अगर डाउट आ रहा होगा उसको भी क्लियर कर देता हूं, ये जो काकसाड़ है ये छत्तीसगढ़ के अबूज माड़िया जनजाति में प्रचलित है, ठीक है ना। उससे तो किसी बच्चे को डाउट हो तो बता देता हूं, ककसार मुरिया करता है, काकसार अबूज माड़िया करता है, ठीक है यहां तक, इस बात को याद रखिएगा, क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन किसमें आता है? क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, 8वें पे आते हैं। देखो ध्यान से देखो, मांदरी नृत्य कौन करता है, याद रहेगा। तो देखो मांदरी नृत्य से पहले याद रखना बेटा, ध्यान से देखो, हमारे पास जो मुरिया, अभी मैंने बताया भी था स्टार्टिंग पे, छत्तीसगढ़ में जो मुरिया आदिवासी है ये सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति है। कभी कभी प्रीलिम्स में प्रश्न आता है कि सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति कौन सा है, तो याद रखिएगा मुरिया है, याद रहेगा। ध्यान रहे बेटे, जो हमारे पास मुरिया आदिवासी है इनके आराध्य देवता आपने पढ़ा होगा एग्जाम में, पुस्तक में, एक है अंगा देव और दूसरा हमारे पास है लिंगोपेन, याद रहेगा। तो ध्यान रहे जो हमारे पास जो मुरिया आदिवासी है इनके आराध्य देवता कौन है बेटा? लिंगोपेन, ठीक है, क्योंकि लिंगोपेन इनके क्या है? आराध्य देवता है। तो जो मुरिया आदिवासी के लोग क्या करते हैं, संसार में जो भी नृत्य है
संसार में जो भी गीत है, संसार में जो भी संगीत है, संसार में जितने भी अभिनय है, जितने भी हमारे पास जो भी चीजें हैं, इन सब का जो उद्भव है, इन सब का जो ओरिजिन है, वो भगवान किनसे हुआ है? भगवान लिंगोपेन से हुआ है। याद रहेगा क्या? उद्भव इनका गीत का, संगीत का, डांस का, अभिनय का किनसे हुआ है? हमारे पास लिंगोपेन देवता। तो इसी बात का उल्लेख या फिर इसी बात का जो हमारे पास बखान करते हुए, वर्णन करते हुए इन लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास मांद्री जो वाद्य यंत्र है, जो हमारे पास मांद्री जो वाद्य यंत्र है, ठीक है, इसके थाप पर इन लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं, और इसलिए इस डांस को इन लोग क्या करते हैं, मांद्री नृत्य करते कहते हैं। बराबर यहां तक? तो ध्यान में, जो मांद्री नृत्य है ना बेटा, ध्यान में ये अगर देखा जाए, मुख पूरी तरह से भगवान लिंगोपेन की आराधना से संबंधित होता है। ये घोटुल परिक्षेत्र के अंदर और बाहर गांव में भी किया जाता है, याद रहेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, 8 पे आते हैं और उत्तर को देखने का प्रयास करते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं। मांद्री नृत्य कौन करता है? उराव जनजाति के लोग करते हैं क्या? नहीं। भद्रा जनजाति के लोग करते हैं क्या? नहीं। कमार जनजाति के लोग करते हैं क्या? नहीं। तो कौन करेगा? मुरिया आदिवासी के लोग करते हैं। कौन करते हैं क्या बताओगे? मुरिया जो जनजाति है वो कौन सा नृत्य करती है? तो क्या बताओगे बेटा? मांद्री नृत्य करती है मुरिया आदिवासी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। प्रश्न क्या, देखो ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन घोटुल से संबंधित है, मतलब कौन सा जो नृत्य है वो घोटुल से संबंधित है? पहला ददरिया है क्या, दूसरा सैला है क्या, तीसरा हुलकी पाटा है क्या, चौथा फाग, ठीक है यहां तक? अब देखो बेटा, मैंने लेक्चर नंबर 3 में बताया था किसके बारे में, युवागिरी घोटुल के बारे में, ठीक है यहां तक? देखो घोटुल जो है वो छत्तीसगढ़ में मोरिया जनजाति का, माड़िया जनजाति का, गोड़ जनजाति का क्या है, युवागिरी, मैंने बताया था। तो ध्यान रहे बेटा, घोटुल में अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, घोटुल में अगर पूजा पाठ से संबंधित कोई डांस करना है, भगवान लिंगोपिन की आराधना करना है, तो कौन सा डांस करते हैं बेटा? मांद्री डांस करते हैं, याद रखना। घोटुल में अगर मनोरंजन के लिए कोई डांस करना है, मनोरंजन के लिए, हंसी मजाक के लिए, तो घोटुल में मुरिया आदिवासी के लोग कौन सा डांस करते हैं? हुलकी पाटा डांस करते हैं। कौन सा डांस करते हैं? हुलकी पाटा। घोटुल में या फिर मुरिया आदिवासियों में अगर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी सदस्य का डेथ हो गया, तो ध्यान में उल्लू क्या करते हैं? घोटुल पाटा गीत गाते हुए घोटुल पाटा नृत्य करते हैं, याद रखिएगा, घोटुल पाटा गीत गाते हुए घोटुल पाटा नृत्य करते हैं। बराबर यहां तक? तो ध्यान दे रहे, मांद्री नृत्य भगवान लिंगोपेन की आराधना के लिए किया जाता है, हुलकी पाटा नृत्य घोटुल में मनोरंजन के लिए किया जाता है, घोटुल के किसी सदस्य के मृत्यु हो जाने पर लोग घोटुल पाटा डांस करते हैं, ठीक है ना? तो देखो भाई, जो क्वेश्चन था उसके अनुसार आंसर क्या होगा? घोटुल से संबंधित नृत्य कौन सा है? ददरिया है क्या? नहीं। सैला है क्या? नहीं। फाग है क्या? नहीं। तो उत्तर क्या बचा हमारे पास? हुलकी पाटा। हुलकी पाटा मोरिया जनजाति के लोग करते हैं घोटुल परिसर में मनोरंजन के लिए, क्योंकि जो सदस्य होते हैं वो अविवाहित होते हैं, उसमें पुरुष कलाकार भी होता है और महिला सदस्य भी होते हैं, याद रहेगा, इसको ध्यान देना, ठीक है ना? याद रखना बेटा इसको अच्छे से। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक बार अच्छे से रीड करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अच्छे से देख लो, अच्छे से, ठीक है? हाँ भाई, किस नृत्य में गौर आखेट का अभिनय होता है? मतलब गौर आखेट का मतलब ध्यान, जो गौर पशु का, पर आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार करना, हंटिंग करना, ठीक है ना? तो किस नृत्य में अपन क्या करते हैं, गौर पशु का शिकार करने का नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं, ठीक है ना? तो मैंने कल आपको एक गाथा बताया होगा, उसका नाम क्या है, नाटक बताया था, उस नाटक का नाम क्या बेटा? तो क्या बताओगे? माओ पाटा। माओ पाटा नृत्य, समझ में आया तक? ये जो माओ पाटा नृत्य है ना, ध्यान रहे बेटा, ये जो नृत्य है, ये जो अपने आप में ये डांस भी है, ये मुरिया जनजाति में प्रचलित है। कौन करता है? तो क्या बताओगे? मुरिया जनजाति। माओ पाटा डांस कौन करता है हमारे पास? मुरिया जनजाति। ध्यान देना, जो हमारे पास माओ पाटा जो नृत्य है, इसको अपन क्या कहते हैं? शिकार नृत्य भी कहते हैं। इसका उपनाम क्या होगा? शिकार नृत्य। कौन करता है? मुरिया जनजाति के लोग करते हैं। इसको और क्या कहते हैं? शिकार नृत्य। क्या होता है? ध्यान देना, इसमें गौर पशु के शिकार
का अभिनय किया जाता है, एक्टिंग किया जाता है, आया समझ में, नाटक किया जाता है कि अपन क्या कर रहे हैं, उस पशु का शिकार कर रहे हैं, बराबर यहां तक। और किस प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग होता है तो क्या बताओगे, कोटोड़का। बताया था मैंने कोटोड़का वाद्य यंत्र का उपयोग होता है किसमें, हमारे पास माओपाटा नृत्य में, ठीक है ना। देख लो अच्छे से, माओपाटा नृत्य मुरिया आदिवासी लोग करते हैं, इसको अपन और क्या कहते हैं, शिकार नृत्य कहते हैं। क्या करते हैं इस नृत्य में, तो ध्यान रखना डांस के दौरान हम लोग क्या करते हैं, गौर पशु का शिकार करने का नाटक प्रस्तुत करते हैं। और लास्ट याद रखना इसमें किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, क्या बताओगे, कोटोड़का वाद्य यंत्र का क्या होता है बेटा, उपयोग होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन क्या है देखते हैं, किस नृत्य में गौर आखेट का अभिनय होता है, तो देखो डिटोंग, डिटोंग में होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। दूसरा हुल्की पाटा में होता है क्या, नहीं होता। ककसार में होता है क्या, नहीं होता। किसमें होगा, माओ पाटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या मिलेगा आपको, माओ पाटा मिलेगा, बराबर। यहां तक इसको अच्छे से देखिएगा, समझ में आया बेटा, ठीक है। यहां तक एक बार देख लो और कमेंट करके बताइए कोई डाउट है कि नहीं, बताइए भाई, ठीक है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं, 11 लेते हैं। 11 क्या है, बिल्मा किस जनजाति से संबंधित है। बिल्मा अपने आप में एक नृत्य है, अभी मैंने बताया था बिल्मा क्या है, तो याद रखिएगा बेटा, अपने आप में जो बिल्मा एक नृत्य है, और जो बिल्मा नृत्य है ना, इसका जो प्रचलन है वो छत्तीसगढ़ की बैगा जनजाति में, याद रहेगा क्या बोला मैंने, जो बिल्मा नृत्य है ना, इनका प्रचलन क्या है, छत्तीसगढ़ की बैगा जनजाति में। बिल्मा नृत्य कब किया जाता है, तो याद रखिए बेटा, विवाह के अवसर पर, कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर लोग क्या करते हैं, बिल्मा डांस करते हैं। कौन लोग करते हैं, बैगा जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है ना। तो देखो जो प्रश्न है, प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 11th है, बिल्मा किस जनजाति से संबंधित है, ठीक है यहां तक। तो याद रखना बेटा, ऑप्शन में मुरिया भत्र है क्या, नहीं। उराव और बिरहोर है क्या, नहीं। कमर और पंडो है क्या, नहीं। तो याद रखना ऑप्शन में क्या मिलेगा, बैगा, और बैगा के साथ साथ कौन करता है, गोड़ करता है। तो याद रखना प्राइमरी में ना आपको बैगा याद करना है, ठीक है यहां तक। तो ध्यान, अगर कोई आपसे प्रश्न पूछेगा कि भाई बिल्मा डांस कौन करता है, तो क्या बताओगे, जो हमारे पास बिल्मा डांस है वो कौन करता है, बताइए भाई कमेंट करके। ठीक है, तो याद रखना बिल्मा डांस कौन करता है, तो क्या बताओ बेटा, हमारे पास बैगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान में उराव जनजाति द्वारा किस किया जाने वाला नृत्य कहलाता है। याद रहेगा, जो उराव जनजाति के जो लोग हैं, साल वृक्ष की आराधना करने के लिए कौन सा डांस करता है, ठीक है ना। तो देखो भाई, हमारे पास एक डांस है, एक नृत्य है, एक ये अपने आप में एक पर्व भी है, उस पर्व का नाम क्या, हमारे पास सरहुल पर्व या फिर सरहुल नृत्य, ठीक है यहां तक। देखो भाई, अब जो हमारे पास सरहुल नृत्य है कौन करता है, तो ध्यान में, छत्तीसगढ़ में जो हमारे पास उराव जो समुदाय है, उराव जो जनजाति है, वो क्या करता है, सरहुल नृत्य करता है, ठीक है ना। आगे सरहुल नृत्य विशेष रूप से कब किया जाता है, ध्यान में बेटा, सरहुल नृत्य चैत्र के महीने में किया जाता है, कब किया जाता है, चैत्र माह में, चैत्र माह की पूर्णिमा में किया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है, जो चैत्र माह की पूर्णिमा में, जब साल फूल आ जाता है, साल का फूल आ जाता है, साल वृक्ष के वृक्ष पर जब फूल लग जाता है, तो अपन क्या करते हैं, सरहुल डांस करता है, ठीक है ना। आगे कैसे किया जाता है, उदाहरण बेटा, अगर देखा जाए, जो सरहुल डांस है, डांस के साथ साथ इल्लू क्या करते हैं, मुर्गा और मुर्गी का विवाह कराते हैं। मुर्गा का मतलब हो जाएगा सूर्य भगवान, मुर्गी का मतलब हो जाएगा धरती माता, ठीक है। इन दोनों का अपन क्या करते हैं, विवाह कराते हैं, ठीक है। और विवाह कराने के साथ साथ इन लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं, उस डांस को अपन क्या कहते हैं, सरहुल नृत्य कहते हैं, बराबर यहां तक। और ध्यान बना, ये तो अपने पास हो गया, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट, जो उराव जनजाति है उनकी देवी का नाम क्या है, सरना देवी, ठीक है। इन लोग क्या करते हैं, जो सरना देवी है ना, इनकी स्थापना साल वृक्ष में, साल वृक्ष के पास करते हैं, ठीक है। तो ध्यान में, जो उराव जनजाति, इनकी इनकी आराध्य देवी कौन है, सरना देवी। डांस करने से पहले, विवाह कराने से पहले, जो सरना देवी है, इनकी स्थापना लोग क्या करते हैं, इस पेड़ के पास करते हैं, मतलब इस पेड़ पे लोग माता सरना का निवास भी मानते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं के सम्मान में लोग क्या करते हैं बेटा, सरहुल नृत्य करते हैं, कब, चैत्र माह के पूर्णिमा के समय, ठीक है ना, याद रखना। तो देख लो, अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या होगा, कि साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान में उराव जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कहलाता है, क्या कहलाएगा, बिल्मा होगा क्या, नहीं। गौर होगा क्या, नहीं।
सरहुल बिल्कुल गेड़ी होगा क्या नहीं, तो याद रखना जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका उत्तर क्या मिलेगा आपको, सी मिलेगा। क्या मिलेगा? सी मिलेगा। बराबर याद तक क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या मिलेगा बेटा आपको, सी मिलेगा। ठीक है, याद तक इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, याद तक। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ठीक है ना, देखो भाई अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, दमनच नृत्य किस जनजाति में प्रसिद्ध है, अभी बताया था। दमनच बैगा में है क्या? नहीं, नहीं। पहाड़ी कुर में प्रचलित है क्या? बिल्कुल। माड़िया में है क्या? नहीं। मुरिया में है क्या? नहीं। ठीक है ना, देखो दमनच के बारे में एक पॉइंट बता देता हूं, दमनच जो डांस है ना पहाड़ी कुर्वा जनजाति में प्रचलित है, एक पॉइंट क्लियर है। दूसरा, विवाह के समय किया जाता है, दो पॉइंट क्लियर है। तीसरा, कैसे किया जाता है, ध्यान देना, दमनच नृत्य के दौरान एक व्यक्ति नीचे लेट जाएगा, दूसरा व्यक्ति उसके सीने में छाती में खड़े होकर क्या करता है, डांस करता है, कूदने लगता है, इसलिए इसको सबसे खतरनाक या फिर भयानक या फिर भय उत्पादक डांस कहते हैं, किसको, दमनच। और याद रखना बेटा इसमें एक वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, उस वाद्य यंत्र का नाम है मृदुगली। क्या कहते हैं इसको अपन, मृदुगली। इस वाद्य यंत्र को याद रखिएगा, ठीक है, इसका उपयोग किसमें होता है, दमनच नृत्य में होता है, आपको समझना है। ठीक है, देखो मैंने 5 पॉइंट बताया है, दमनच नाच पहाड़ी कोरबा करते हैं, विवाह के समय करते हैं, एक पुरुष के सीने पे दूसरा व्यक्ति क्या करता है, खड़े होकर डांस करता है, कूदता है, चौथा ये सबसे भय उत्पादक भयानक या फिर खतरनाक नृत्य है, पांचवा इसमें किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, मृदुगली। ये 5 पॉइंट याद रखना किसके बारे में, दमनच नृत्य के बारे में। समझ में आया बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, 14 में आते हैं, पढ़ो भाई क्वेश्चन। ठीक है, और इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति से परब नृत्य संबंधित है, कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग, मैं इंतजार करता हूं कुछ सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, बताइए भाई कमेंट करके। हाँ भाई ठीक है, वेरी गुड। तो ध्यान देना परब जो डांस है, चलो परब डांस पे ही आते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान में जो हमारे पास परब डांस है, जो परब नृत्य है, याद रखिएगा ये गोड़ की उपजाति है। ठीक है, गोड़ की हमारे पास क्या है, एक उपजाति है, तो ध्यान में उसका आपको नाम याद रखना है, धुरवा। धुरवा या फिर जो परजा, इसी धुरवा को ये अपन परजा कहते हैं, इन लोग पोटा विवाह करते हैं, बताया था ना मैंने, तो जो परब जो डांस है बेटा ये धुरवा या परजा लोग करते हैं, बराबर याद तक। और ध्यान में जो हमारे पास परब डांस, उसको अपन और किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान में बेटा परब नृत्य को हम लोग सैनिक नृत्य भी कहते हैं, कौन सा नृत्य कहते हैं, सैनिक नृत्य भी कहते हैं, किसको, परब नृत्य को, जो कौन करता है, ध्रुवा या परजा करता है, इसको अपन और किस नाम से जानते हैं, सैनिक नृत्य, बराबर यहां तक। और ध्यान में इसमें जो कलाकार होते हैं, सुनना अच्छे से, जो परब नृत्य में जितने भी कलाकार है, इसमें मेल भी होता है और मेल के साथ साथ फीमेल भी होता है, मतलब दोनों कलाकार, दो पुरुष और महिला कलाकार साथ में मिलकर डांस करते हैं। और ध्यान देना कि जितने भी कलाकार होते हैं इसमें भी, इन लोग क्या करते हैं बेटा याद रखना, जितने भी कलाकार हैं सबके सब सफेद वस्त्र धारण करते हैं, याद रहेगा, जितने भी कलाकार हैं कौन सा वस्त्र धारण करते हैं, सफेद वस्त्र। और याद है जो कलाकार हैं इसमें भी, इन लोग पिरामिड बनाते हैं, आया समझ में, तो जिस प्रकार से पंथी डांस में कलाकार सफेद कपड़ा पहनते हैं, सफेद वस्त्र धारण करते हैं, सेम अगर देखा जाए कि जो हमारे पास परब डांस है उसमें भी कलाकार सफेद कपड़ा पहनते हैं और पिरामिड बनाते हैं, कौन करता है, धुरवा या परजा, आदिवासी करता है, याद रहेगा यहां तक, इसको प्लीज ध्यान देना। ठीक है, ठीक है भाई, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या था, देखो परब नृत्य किस जनजाति से संबंधित है भाई, माड़िया से है क्या, नहीं, धुरवा या परजा से है क्या, बिल्कुल, ठीक है, मुरिया से होगा क्या, नहीं, दोरला से होगा क्या, नहीं, तो याद रखना जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका उत्तर आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, तो क्या बताओगे, बी मिलेगा, ठीक है ना, तो परब नृत्य कौन करता है, धुरवा या फिर परजा जनजाति के लोग करते हैं, समझ में आया तक, इसको याद रखिएगा भाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, सॉरी 15 की ओर चलते हैं। देखो प्रश्न क्या है, सैलारीना, सैलारीना अगर देखा जाए नृत्य इनमें से कौन करता है, याद रहेगा, तो देखो गोड़ लोग करते हैं क्या, बैगल लोग करते हैं क्या, कि प्रधान लोग करते हैं, कि सभी लोग करते हैं, तो देखो भाई कौन करते हैं, इस पर इसको समझ लेते हैं, सैलारीना कौन होता है, देखना ध्यान से, सैला नृत्य, इसी को अपन कहते हैं सैलारीना,
सैला बोलो या फिर सैलरी ना बोलो, ठीक है ना। देखो बेटा सबसे बड़ा जो सैला नृत्य जो है ना, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान दें बेटा इसको अपन कहते हैं डंडा नृत्य। क्या कहते हैं? डंडा नृत्य भी कहते हैं। आया समझ में? ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए कब किया जाता है, तो ध्यान दें बेटा भाद्र माह में किया जाता है। सॉरी कब किया जाता है, तो ध्यान देना यह किया जाता है दिवाली के समय, दिवाली के समय किया जाता है हमारे पास डंडा नृत्य। ज्यादातर इसका प्रचलन कहां पर है, तो ध्यान रखना इसका प्रचलन आपको मिलेगा ज्यादातर सरगुजा क्षेत्र पे, सरगुजा डिवीजन में। कौन करता है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ में जो बैगा जनजाति है, छत्तीसगढ़ में जो उराव जनजाति है, छत्तीसगढ़ में जो गोड जनजाति है, ये लोग क्या करते हैं बेटा, याद रखेगा सैला नीना करते हैं, मतलब सैला डांस करते हैं, बराबर यहां तक। और ध्यान देना सैला, सैल का मतलब होता है, याद रखिएगा बेटा शिखर पर्वत, याद रहेगा यहां तक। और ध्यान देना अगर देखा जाए इल्लो क्या करते हैं, एक प्रकार से जैसे भी चल रहा है नवरात्रि, तो डांडिया करते हैं ना जी, ठीक है ना। तो एक प्रकार से इसमें भी ना बेटा डांडिया का स्वैग मिलेगा आपको, किसमें? सैला डांस में। ये लोग भी क्या करते हैं, डंडा पकड़ते हैं, और डंडा को जो कलाकार होते हैं, जो जो ग्रुप में जो मेंबर होते हैं एक दूसरे के साथ, क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं दूसरे के डंडे के साथ, ठीक है। तो याद रखना ये अपने आप में डांडिया का ही वर्जन है छत्तीसगढ़ में, जो कौन लोग करते हैं, बैगा उराव या फिर गोड आदिवासी के लोग करते हैं, ठीक है ना। चलो आते क्वेश्चन क्या था, सैलरीना। तो सैलरी देते याद रखना बेटा, ये छत्तीसगढ़ के सभी जनजातियों में प्रति, सॉरी सभी बोलता हूं, इस ऑप्शन के अनुसार गोल लोग भी करते हैं, बैगल लोग भी करते हैं, प्रधान लोग भी करते हैं, बराबर यहां तक, ठीक है। तो याद रखिएगा ये था हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर, हमारे पास क्या था 15 था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या था हमारे पास 15, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। बस्तर का डंडारी नृत्य, याद रहेगा बस्तर का डंडारी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, हमारे पास डंडारी जो नृत्य है ना, ये छत्तीसगढ़ की भतरा जनजाति के लोग करते हैं, इसको याद कर लो। कब करते हैं, उदाहरण बेटा होली पर्व के दिन करते हैं, कब करते हैं, होली पर्व के समय करते हैं, याद रहेगा। होली पर्व मतलब किस महीने करेंगे, फागुन माह में करेंगे, किस महीने करेंगे, फागुन में, याद रहेगा। आप लोग आपका आप लोग कमेंट करके बताइए, होली का जो त्यौहार है, जो त्यौहार है, वो फागुन माह में किस दिन मनाया जाता है, अमावस को, पूर्णिमा को, शुक्ल पक्ष को, कि कृष्ण पक्ष को, बताइए बेटा किस दिन मनाया जाता है, आपको बताना है कमेंट करके। होली पर्व कब मनाया जाता है, फागुन महीने में, ठीक है। यहां पर फागुन महीने में किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखना जो क्वेश्चन नंबर 16 है उस पर आ जाते हैं। डंडारी नृत्य भतरा लोग करते हैं, कब करते हैं, तो याद रखिएगा होली के समय करते हैं, किस समय करते हैं, होली के समय करते हैं, याद रहेगा यहां तक। ये था क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद, अगला हमारा रुक करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। याद रखना इसका मैंने जिक्र किया भी था स्टार्टिंग पे, कि मुरिया जनजाति में जो पुष कोलांग जो डांस है वो कौन करता है, केवल पुरुष करता है, केवल महिला करती है, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, कि बच्चे करते हैं, तो याद रखिएगा इसका उत्तर केवल पुरुष करता है। ये सीजीपीएससी 2019 प्रीलिम्स में भी आ चुका है, याद रहेगा। तो ध्यान देना पुष कोलांग जो नृत्य है वो पुरुष लोग करते हैं, और किस जनजाति के लोग करते हैं, मुरिया आदिवासी के लोग करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। इसके बाद अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, ठीक है, 18। तो बस्तर की जनजातियां वर्षा के देव भीमा देव, मतलब इंद्रदेव को अपन भीमा देव कहते हैं, याद रहेगा, जो वर्षा का देवता है उसको भीमा देव कहते हैं, ठीक है ना, को प्रसन्न करने के लिए किस नृत्य का आयोजन करती है। आया समझ में आता है, देख लो भाई, क्लियर है तक। वर्षा, वर्षा मतलब बारिश का जो मौसम है वो होगा, समझ में आया। तो ध्यान रहे बेटा इसका उत्तर क्रीडा नृत्य करते हैं, छेड़का नृत्य करते हैं, कि गेड़ी नृत्य करते हैं, या फिर डंडारी नृत्य करते हैं, याद रहेगा। तो ध्यान देने इसका उत्तर आपको मिलेगा सी, गेड़ी नृत्य। 18 उत्तर क्या मिलेगा बेटा आपको, सी मिलेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। बस्तर की जनजातियों के विभाजन में, सॉरी नृत्यों के विभाजन में ककसार निम्नलिखित में से किस पर्व का नृत्य है, मतलब अभी मैंने बताया था ककसार नृत्य कौन करता है, ये बताया था, ठीक है ना। तो बेटा आपको ये बताना, ये आपको कमेंट करके बताना है भाई, कि क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर उम्मीद में आपसे करता हूं, कि बस्तर की जनजातियों के नृत्यों के विभाजन में ककसार निम्नलिखित में से किस वर्ग का नृत्य है।
खेल से संबंधित है, दंड राज से संबंधित है, या राज से संबंधित है, या फिर यात्रा से। तो मैंने बताया भी था जो मुरिया आदिवासी है यात्रा पर्व के दिन कौन सा डांस करता है, ककसार नृत्य। तो याद रखिएगा ये किस वर्ग से संबंधित है। ध्यान बेटा जो 19 है क्वेश्चन नंबर 19 उसका उत्तर आपको मिलेगा ए, यात्रा पर्व से संबंधित है। ठीक है ना। आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं जिसका उत्तर आप लोग दोगे बेटा कमेंट करके। ठीक है ना। क्या है, निम्नांकित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। तो ध्यान रखना जितने भी बच्चे जो वीडियो देख रहे हो इस प्रकार के प्रश्नों का आदर डालना है, इस प्रकार के क्वेश्चन डील करने हैं, एमसीक्यू बनाने हैं बराबर। यहां तक यकीन मानो ऐसे ही इसी तरीके से इसी पैटर्न में आपको नृत्य से संबंधित प्रश्न मिलेगा आपके एग्जाम में। समझ में आया ना। देखो आपको पहचानना है निम्नांकित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। यशा है, गराबी है, पंथी है, कि होजागिरी है बराबर। इसका उत्तर क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए। समझ में आया, ये मैंने बता दिया है। ठीक है अब तक। तो बेटा ये आज मैंने टॉपिक कवर किया है छत्तीसगढ़ के नृत्य, जिसमें मैंने लोक नृत्य और जनजाति नृत्य दोनों को बताने का प्रयास किया है। ठीक है ना। आने वाले समय में जो कल का वीडियो रहेगा ठीक है उस पर मैं आपको बताऊंगा। लोक नृत्य हो गया, लोक गाथा भी होगा, लोक नाट्य भी होगा। तो याद रहा लोक गीत पढ़ेंगे और लोक पर्व के बारे में जो एमसीक्यू है वो मैं लेके आऊंगा कल, इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसमें। ठीक है यहां तक। तो बेटा अगर कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, अपन क्या करेंगे उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज विदा लेते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।